सो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको X3 के बारे में, जो कि 22 सितंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और फाइनली इस डिवाइस का जो लैंडिंग इमेज है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर सामने आ चुका है, जिससे कि यह कंफर्म होता है कि आपको पोको X3 के अंदर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। और साथ ही में कुछ मेजर चेंजेस भी किए गए हैं इसके इंडियन वेरिएंट में, क्योंकि ग्लोबल वेरिएंट में आपको कुछ अलग स्पेक्स देखने को मिलेगा और इंडियन वेरिएंट में कुछ अलग माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ अपग्रेड देखने को मिलेंगे और कुछ डाउनग्रेड देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज अ भाई की जैसे कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सकें। और मुझे पता है कि आप लाइक जरूर करोगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलता है आपके लिए और अच्छा कुछ बनाने के लिए, और आपको भी लाइक करने के बाद बिल्कुल अच्छा लगता होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को लेकर। तो इस डिवाइस के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 732 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें कि आपको ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर काफी जबरदस्त है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। उसके साथ ही अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी में आपको 6000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी लीक्स निकल कर सामने आ रही है कि पोको X3 इंडियन वेरिएंट में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के लैंडिंग इमेज से ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर कुछ कंफर्म होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और भी लोगों को पता चल सके। और अगर मुझे पता चलता है तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर बात करते हैं इस डिवाइस के रियर साइड के कैमरास और डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन काफी इस बार हमें अलग देखने को मिला है और इस बार हमें कोई भी रीब्रांडेड वर्जन देखने को नहीं मिला है। और अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरा में आपको 64 MP का क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले बार भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। सो यहाँ पर सिमिलरली आपको वैसा ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी और कुछ फीचर्स ऐड किए जाएंगे और यहाँ पर आपको कुछ अच्छी इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी कम्पेयर टू पोको X2। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। उसके साथ ही अगर बात करें इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, तो फ्रंट साइड के अंदर आपको 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस का IPS LCD पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको सिंगल पंच होल कटआउट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि सेल्फी के लिए 20 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस डिवाइस के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में और चेंजेस के बारे में, तो आपको इस डिवाइस के अंदर NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएंट में हमें NFC का सपोर्ट देखने को मिला था, बट इंडियन वेरिएंट में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके साथ ही IP5 का रेटिंग जो है वो भी इस डिवाइस के अंदर आपको शायद से देखने को नहीं मिलेगा। और अगर बात करें कुछ एडिशनल फीचर्स की, जो कि आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो आपको Type-C 3.5 mm ऑडियो जैक और 33W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो है इस डिवाइस की वो है अप्रोक्स 18,000 रुपये के करीबन, क्योंकि ऑलरेडी 20,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में Realme 7 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, जहां पर हमें सुपर एमोलेड पैनल और 65W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से इस डिवाइस की जो प्राइसिंग है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और लॉन्च डेट तो आपको पता ही है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि 22 सितंबर को इंडिया के अंदर इस डिवाइस को लॉन्च किया जाएगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लाइक और कमेंट के लिए पहले से ही बहुत बहुत थैंक यू, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ, हैव अ लवली डे।